दोस्तों, साल 1996 में आई फिल्म रक्षक तो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें सुनील शेट्टी के दमदार एक्शन और उनके अभिनय को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। ये फिल्म एक ऐसे अपराधी पर आधारित थी जो कि सुनील शेट्टी का बचपन का दोस्त होता है, जिसकी कहानी को और फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। यही वजह रही कि ये फिल्म उस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म रही थी, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। और तभी से फिल्म के सेकंड पार्ट को लेकर भी बातें शुरू हो चुकी थीं। लेकिन अब इस फिल्म के सेकंड पार्ट को जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर लाया जा रहा है। अब ऐसे में इनके फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर फिल्म कब रिलीज होगी, फिल्म की कहानी क्या होगी और फिल्म में क्या नया देखने को मिलने वाला है, साथ ही फिल्म की स्टार कास्ट कौन सी होगी, फिल्म की कहानी क्या होगी और फिल्म में क्या नया देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी ये सभी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही बॉलीवुड की इस दमदार मूवी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 1996 में आई फिल्म रक्षक एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसके निर्देशक और निर्माता थे अशोक होंडा, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे, रघुवरण और सुनील शेट्टी जैसे कई बेहतरीन कलाकार अभिनय करते हुए नजर आए थे, जहां इस फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया गया था। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म रही थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया था, जहां फिल्म में हर किरदार को दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया गया था। जहां फिल्म की कहानी एक ऐसे दोस्त पर आधारित थी जिसमें जहां एएसपी राज सिन्हा यानी कि सुनील शेट्टी को नकली नोटों को छापने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार अपराधी को पकड़ने का कार्य सौंपा जाता है, और सुनील शेट्टी तब हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि उनका बचपन का दोस्त है। लेकिन सुनील शेट्टी पूरी ईमानदारी से अपनी इस ड्यूटी को पूरा करते हैं और अपने दोस्त को सुधारने और उसे अपराध से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी ताने बाने से बनी है फिल्म की कहानी, जिसे दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया, जिसके बाद अब इस फिल्म के सेकंड पार्ट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें, हाल ही में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजकुमार हिरानी ने फिल्म को बनाने की बातें कही हैं और उन्होंने बताया कि मैं जल्द ही फिल्म रक्षक के सीक्वल को बनाने वाला हूं, जिसके लिए उन्होंने सुनील शेट्टी से भी बातचीत की। वहीं उन्होंने फिल्म के स्टार कास्ट पर बात करते हुए भी कई एक्टर्स का नाम रिवील किया है, जहां फिल्म की कहानी को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा और कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे। बात करें फिल्म में स्टार कास्ट की, तो आपको बता दें कि फिल्म में एक बार फिर सुनील शेट्टी नजर आ सकते हैं, लेकिन बतौर एक्टर नहीं बल्कि इनका किरदार फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर होने वाला है। वहीं अगर मेन लीड एक्टर की बात की जाए तो आपको फिल्म में मेन लीड एक्टर के तौर पर टाइगर श्रॉफ नजर आने वाले हैं। वहीं उनके ऑपोजिट फिल्म में श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इस फिल्म में कौन से एक्टर्स या एक्ट्रेसेस काम करती हुई नजर आएंगी। लेकिन यही कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया जाएगा। वहीं विलन के तौर पर आपको बता दें, फिल्म में आपको प्रकाश राज नजर आने वाले हैं। वहीं आपको फिल्म में कई और नए चेहरे भी जुड़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचा पाती है और फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट काम करते हुए नजर आएंगे, जिनका उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आपको फिल्म रक्षक के सीक्वल का कितना बेसब्री से इंतजार है और आप इस फिल्म में किन एक्टर्स को काम करते हुए देखना पसंद करेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।